हेलो दोस्तों, आज अपने पास लेनोवो का i3 7th जनरेशन लैपटॉप है जिसकी में प्रॉब्लम है कि इसकी डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो ये डिस्प्ले आज मैं आपको रिप्लेस करके बताऊंगा। तो ये आप घर पर ही करके देख सकते हैं, ऐसा मैं आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये रही अपनी न्यू LED, तो ये न्यू LED है, इसको अपन लगाएंगे। अभी के लिए थोड़ा साइड में रख दे रहे हैं। अभी आगे ये इसको ऐसे करके खोलना है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, कोई नट नहीं होता, ये ऊपर से हल्का सा पकड़ के निकलना है, ध्यान से टूटना नहीं चाहिए, फ्रेम टूट भी सकती है, तो ऐसे निकाल लेना है आपको। यह है फ्रेम, इसको भी साइड में रखते हैं। अब आगे देखेंगे अपन ये इस लैपटॉप को, इसमें 4 स्क्रू लगे रहते हैं चारों कोनों पे। ये पेचकस है मेरा, इसको चारों कोनों के स्क्रू अपन खोलते हैं। अब ये स्क्रू खोल रहा हूँ मैं, और अभी करते हैं वीडियो को थोड़ा फास्ट। चारों स्क्रू खोल चुका हूँ दोस्तों अब मैं, तो अब करते हैं इसका ये नट होल निकाल दूँ। ये नट निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब ये नट भी निकल दिया। ये है अपनी डिस्प्ले, इसमें लगा होता है, ये इसमें लगा है एक वाला कनेक्टर। तो इस कनेक्टर को निकालना है अपन को सबसे पहले बड़ी सावधानी से। एक बारी आपको बता दे रहा हूँ मैं कि ये वाला कनेक्टर होता है, ये है 24 पिन कनेक्टर LED में आता है, तो इसके लिए ध्यान से निकालना है, पिन टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी LED ख़राब हो जाएगी लगाने में, या फिर ये इसकी प्लेट का भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि केबल भी इसकी बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत महंगी मिलती है, तो ध्यान से लगाना है। मैंने लैपटॉप बंद नहीं किया था, मैं लैपटॉप भी बंद कर दे रहा हूँ। ये अपनी पुरानी LED को रखते हैं साइड में, लैपटॉप भी हो चुका है बंद दोस्तों। हम देखते हैं अपनी ये न्यू वाली LED है, तो ये न्यू वाली LED को लगाना है। ये भी 24 पिन है दोस्तों, पेपर LED होती है ये, तो इसको लगाना है अपन को। ये देख लीजिए दोस्तों ज़रा ध्यान से, अब लगाते हैं अपन LED। ये LED लगाने के लिए मैंने ये है LED अपनी, तो इसको कनेक्टर लगाना ध्यान से। कनेक्टर ज़रा ध्यान से लगाएं दोस्तों अपना, कनेक्टर बड़ा दिक्कत दे रहा है लगने में, लेकिन कोई बात नहीं, लगा के ही छोड़ेंगे दोस्तों, टेंशन मत लो। ये कनेक्टर तो लगा के ही रहेंगे, लग गया तो अभी अच्छे से कर दो अपन, और ये लगा दे रहे अपन LED, फिर देखते हैं होता है कि नहीं चालू। एक स्क्रू लगा दें दोस्तों, क्योंकि LED चलते में गिर गई तो ये भी पहले जैसी LED हो जाएगी, तो ये टूट जाएगी इसका मतलब। अब करते हैं दोस्तों चालू। ये हो चुका है दोस्तों अपना लैपटॉप चालू, आप देख सकते हैं लेनोवो लिखा आ गया, अपन ने डिस्प्ले चेंज कर दी है, ये चालू हो रहा है, प्रॉपर डिस्प्ले आ रही है। तो कर दो इसको अपन, कर दे रहे हैं बंद। बंद करने के बाद फिर देखते हैं इसको कसेंगे अपन, फिर देखेंगे आगे की प्रोसेस, फिर से एक बार और चेक करेंगे दोस्तों इसको। ये लगा रहा हूँ मैं चारों नट, सो धीरे धीरे ही लगाना है दोस्तों, ये नई LED है, टूट जाएगी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का काफ़ी ध्यान रखें कि LED पे कोई भी चीज़ टकरा नहीं पाए जब आप कसो, यह चीज़ का खास ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। अब देख सकते हो दोस्तों मैंने चारों नट कस चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपनी, लगाते हैं फ्रेम। तो ये है लेनोवो की फ्रेम, तो इसको लगा दे रहे अपन, अच्छे से चेक करना है दोस्तों, और लगाने के बाद भी ये इसमें लॉक ही रहेगा, नट नहीं रहते, तो आप अच्छे से दबा दें इसको, तो लॉक जो है वो प्रॉपर लग जाएंगे,
इस बात का खास ध्यान रखना है। वीडियो पूरी देखें दोस्तों, नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लैपटॉप कस दिया, प्रॉपर कसा हो चुका है। एक बार चेक कर लो, कहीं पे भी खुला नहीं होना चाहिए। अपन मैंने चालू कर दिया और आगे देखिए ये डिस्प्ले आ गई, लेनोवो लिखा आ गया। इसी बात पे दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।